प्रेज लॉर्ड सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की वचनों से आज ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं क्या, जो कि इलीगल इनकम किए गए पैसे को हम परमेश्वर के जो चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं, और जो कि गलत तरीके से जो पैसे कमाया जाता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन हमें क्या शिक्षा देता है। हम परमेश्वर के लिए हम जो कि मानत रखते हैं और जो कि परमेश्वर के नाम से जो चढ़ावा के लिए जो मानत रखते हैं, उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को हम परमेश्वर की गृह में ले जा सकते हैं ये या नहीं। चलिए हम परमेश्वर की वचनों से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा गया है, तू मानत के चढ़ावे के लिए अपने प्रभु परमेश्वर के गृह में वेश्यावृत्ति की कमाई अथवा पुरुष गमन की आमदनी मत लाना, क्योंकि ये दोनों प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद हैं। यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमें स्पष्ट रूप से बताया दे रहा है कि जो कि गलत तरीके से लिखा गया है कि जो वेश्यावृत्ति जो कि गलत राह पर जा करके वो पैसा कमाया जाता है, और जो पुरुष गमन होकर के मतलब परमेश्वर के विरुद्ध जो कि संसार से प्रेम और शारीरिक की अभिलाषाओं से जो पैसा कमाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कि संसार के रीति रीति और संसार के जो गवर्नमेंट के जरिए से जो कि गलत प्रोसेस होता है उसके जरिए पैसा जो कमाया जाता है वो परमेश्वर के कलीसिया में ले जा सकते हैं कि नहीं, हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन हमें शिक्षा दे रहा है। और पढ़ेंगे आगे लिखा गया है, जो व्यर्थ के काम लोग अंधकार में करते हैं उनमें आप सम्मिलित ना हो, वरन उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जित आती है। जो लोग जो कि अंधकार में मतलब रात में जो कमाए हुए पैसों को जो कि गलत तरीके से कमाते हैं, उन पैसों को अगर वे लोग उस राह पर चलते हैं, शायद कई इंसान उसके साथ सम्मिलित होता है जो कि उसके साथ कोऑपरेट करता है, तो परमेश्वर के वचन कहता है उनके बारे में भी दूसरे को बताने के लिए हमें लज्जा और शर्म की बात होती है। तो आज हमें फैसला लेना है कि परमेश्वर के वचनों से हमें क्या शिक्षा मिलता है, या हमें जो कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को परमेश्वर के वैट दे सकते हैं या नहीं, या हम जो कि परमेश्वर की जो मन्नत रखते हैं उस पैसों को हम चर्च कलेशिया में दे सकते हैं कि नहीं। जो कि अंधकार में करते हैं वे लोग, जो लोग कि परमेश्वर की शायद वचन सुनते भी होंगे और वे लोग फिर से दोहराते हैं कि ये गलतियां दोबारा करें, जो कि संसार की जो कि रीति नीति से चलते हैं, तो जो संसार में जो धन की लालच में पड़ जाते हैं जो लोग, उनके लिए परमेश्वर की वचन कहा गया है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए कैसी ख्याल रखते हैं। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति बोले तो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन ही ज्योति है। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस संसार की ज्योति यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह के चर्च के कलीसिया के अंदर अगर इस तरह की हम संपत्ति लेके जाते हैं जो कि हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को देने के लिए, तो फिर यीशु मसीह खुद इस चीज़ को इनकार करते हैं कि लिखा गया है वास्तविक रूप से स्पष्ट कर देती है, मतलब परमेश्वर इन सब चीज़ों को नफरत करते हैं। लिखा है कि ज्योति के बारे हम देखते हैं, यीशु ने लोगों से फिर कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा वरन वो जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। अगर हम यीशु मसीह के पीछे होते हैं तो फिर हमें कभी भी अंधकार में भ्रमण नहीं करेंगे, अंधकार में गति नहीं करेंगे। जैसे कि जो लोग अंधकार में उन कामों को करते हैं जो काम की वे लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें इस काम को कर लेने चाहिए और परमेश्वर के गृह में जाना चाहिए और कलीसिया में उस भेंट को चढ़ाना चाहिए वो कहीं सारे लोगों के सामने, और अपने आप को प्रशंसित होना है। लेकिन यीशु मसीह खुद कहते हैं
जो ज्योति के नाम से हम जानते हैं खुद यीशु मसीह हैं, वो इस चीज़ को इनकार करते हैं और नफरत करते हैं। हमें सुधारना चाहिए। क्या हम परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह ने पर वचन में कहा है, जो आकाश की पक्षियाँ ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उन लोगों के लिए यीशु मसीह खाने के लिए जो भोजन है वो प्रस्तुत करके रखता है। हम तो उनसे भी बढ़कर हैं। क्या हम हमारे लिए परमेश्वर नहीं सोचता? परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा गया है कि हम उनके स्वरूप में बनाए हुए हैं और जो कुछ भी हम करते हैं प्रेम से करें, और जो कुछ भी हम करें ऐसा हो कि परमेश्वर की महिमा के लिए करें, यीशु मसीह की महिमा के लिए करें। लिखा है रम्या लिखित समाचार में लिखा, वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि चाहे तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन आज जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कि गलत तरीके से इनकम्स और जो कि रॉन्ग रूट से इलीगल इनकम्स, ब्लैक मनी, ये सब परमेश्वर की राज्य में शोभा नहीं देता और उनके कलीसिया के अंदर भी ले नहीं जा सकते हम। ये सारी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यर्थ की धन हम परमेश्वर के कलीसिया के अंदर नहीं ले जा सकते। इसलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, आप सब सतर्क हो जाइए कि इस संसार की धन में आप कभी भी मत पड़िए। और जो कि सच्चा धन के बारे में मैंने जो वीडियो पहले डाली थी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अभी आप देख सकते हैं कि सच्चा धन के बारे में, जो कि हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है यीशु मसीह के जरिए। इस वचन से हम सभी को आशीष मिले और इस वचन को दूसरे को भी शेयर करें। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह के, आमीन।